एक बार वो कौन अर्नब गोस्वामी वो मेरे पास आए थे और उन्होंने शुरू कर दिया ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो आते हैं वगैरह 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 वगैरह। मैं बोला अर्नब एक मिनट ठहर, पहली बात मेरे को ये बता तू तो आसाम ही है तो आसाम में क्या हुआ उसका जवाब पहले तू मुझे दे, बाद में मैं तेरे को देता हूं। हम दूर क्यों भटक रहे हैं? अब भी एक महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे, दस पंद्रह हजार लोग तो मुंबई आ गए, ये अच्छा है? किसी राज्य से निकाल दिए जाए तो मुंबई चले आते, वापस उस राज्य में नहीं जाते। पहले से बोझ क्या कम है इस राज्य के ऊपर? मीडिया के लोग, मुझे याद है वो मेरा भाषण चल रहा था, मैं मराठी में भाषण दे रहा था, एक यहां यही का एक रिपोर्टर था ये जो, उसने मुझे बताया और उसने कहा कि मैं हमारे जो एंकर जो दिल्ली में थी वहां पे कुछ गलत दिखा रहे थे, जो मैं भाषण कर रहा हूं मैं बता रहा हूं वो दिखा नहीं रहे थे, यानी वो लिखते हैं ना भाषण में मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो लिखते हैं वो कुछ गलत लिख रहे थे। तो यहां के वो रिपोर्टर ने उनको फोन करके बोला कि आप जो दिखा रहे हैं वो गलत है, राज ठाकरे ऐसे भाषण नहीं बोल रहे, वो जो बोल रहे हैं वो अलग है, आप दिखा रहे अलग। तो उस लड़की ने उस रिपोर्टर को कहा कि शट अप, तुम तुम्हारा काम करो हम हमारा काम करेंगे। मतलब क्या है इसका? यानी आपके टीआरपी के लिए अगर आप राज्य राज्यों के बीच में अगर आप आग लगाते रहेंगे ये कैसे होगा?